नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पीएम मोदी के 1987-88 में ईमेल और डिजिटल कैमरा इस्तेमाल पर प्रकाश राज बोले, हद होती है भाई। लोकसभा चुनाव के बीच टीवी चैनलों और अखबारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इंटरव्यू के दौरान दिए गए उनके जवाब इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। उनके कई जवाब पर लोग सोशल मीडिया पर चुटकी ले रहे हैं। हाल ही में दिया उनका एक और जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपने इस जवाब में कहते दिखाई दे रहे हैं कि 1988 में उन्होंने डिजिटल कैमरा और ईमेल का इस्तेमाल किया था। पीएम मोदी के इस बयान के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रकाश राज ने ट्वीट कर चुटकी ली है। प्रकाश राज ने ट्वीट कर लिखा, हम लोगों को जहां तक जानकारी है तो 90 के दशक में डिजिटल कैमरा के बारे में जानकारी हुई थी, लेकिन हमारे चौकीदार के पास डिजिटल कैमरे और ईमेल की जानकारी 80 के दशक में ही हो गई थी। हालांकि वे उस समय जंगल में थे, महाभारत पढ़ते हुए, बादलों से घिरे हुए। उल्लू बनाने की भी एक हद होती है भाई। ममता बनर्जी को अमित शाह की चुनौती, जय श्री राम का नारा लगाकर कोलकाता जा रहा हूँ, हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लेना। भारतीय जनता पार्टी BJP के अध्यक्ष BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के जयनगर में रैली के दौरान कहा कि ममता दीदी कहती है कि बंगाल में जय श्री राम नहीं बोल सकती, मैं इस मंच से जय श्री राम बोल रहा हूँ और यहाँ से कोलकाता जाने वाला हूँ। ममता दीदी, हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाइए। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल में रैली के दौरान जय श्री राम का नारा लगाया था। पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीट पर आखिर सातवें चरण में 19 मई को चुनाव है। जयनगर लोकसभा सीट पर भी सातवें चरण में 19 मई को चुनाव होने हैं। अमित शाह ने कहा, आज मुझे 3 जगह जाना था, जयनगर में तो आ गया, मगर दूसरी जगह ममता दीदी के भतीजे की सीट, वहाँ पर हमारे जाने से ममता जी डरती है कि भाजपा वाले इकट्ठे होंगे तो भतीजे का तख्त उल्टा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने हमारी सभा की परमिशन कैंसिल कर दी। अमित शाह ने रैली में कहा, बंगाल में ममता दीदी मोदी जी की सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलने देती, क्योंकि ममता दीदी मानती है कि अगर ये योजनाएं यहाँ शुरू हुई तो मोदी जी यहाँ और ज्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे। अमित शाह ने आरोप लगाते हुए कहा, बंगाल के इस्लामाबाद ममता दीदी ने उर्दू के शिक्षण भेज दिए, लोगों ने जब उर्दू में पढ़ने का विरोध किया तो पुलिस भेज दी, पुलिस के अत्याचार से हमारे कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि वो बस ये मांग कर रहे थे कि यहाँ बंगाली भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव 2019 जहानाबाद में RJD उम्मीदवार सुरेंद्र यादव का खेल बिगाड़ते तेज प्रताप। लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार की कुल 40 सीट में से 32 सीट पर मतदान हो चुका है। 19 मई को जहानाबाद सहित बिहार में 8 संसदीय सीटों पर चुनाव होगा। जहानाबाद में RJD के सुरेंद्र यादव, JDU के चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, वर्तमान सांसद अरुण कुमार और लालू राबड़ी मोर्चा के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश के बीच मुकाबला है। RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव महागठबंधन में टिकट बंटवाने से पहले अपने दो गरीब सहयोगियों जहानाबाद से चंद्र प्रकाश और शिवहर लोकसभा सीट से अंगेश को राजद द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने के लिए दबाव बना रहे थे। हालांकि RJD की कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने लालू राबड़ी मोर्चा पार्टी से बिहार की 4 सीट पर उम्मीदवार उतारे। हालांकि शिवहर सीट पर लालू राबड़ी मोर्चा के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया। वहीं सारण और जहानाबाद और हाजीपुर सीट से मोर्चा के उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। तो MNS न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।